लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने और प्रदेश में 25 सीटों को लेकर जोधपुर के भाजपा नेताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा विधायकों और नेताओं से बात की संवाददाता राजीव गौड़ ने। अभी को लेकर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तूफानी चुनावी दौरों पर है, जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं इस तरह की उम्मीद जगी है कि मिशन 25 कामयाब हो जाएगा। मगर मिशन 25 कैसे कामयाब होगा और कैसा जनसंपर्क चल रहा है उस बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता हमारे साथ उनसे पूछते हैं, क्या लगता है कि ये जो जनसंपर्क चल रहा है वो लगता है 25 की 25 सीटें दिला पाए? जनसंपर्क जो चल रहा है, जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, जनता का जो माहौल मिल रहा है, जनता का जो रेस्पॉन्स मिल रहा है और कार्यकर्ता जिस जोश से जुटे उसे हमको शत प्रतिशत विश्वास है कि हमको मिशन 25 में प्राप्त करने में कामयाब होंगे। लेकिन क्या आप इसको किस रूप में देखते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट मिल रही है? नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का जो अपार जनसमूह जो आशीर्वाद मिल रहा है, ये पूरा दोनों का परिणति है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीत रही है। लेकिन कलकला जी, आप तो जैसे जिस तरह आपके निवास में भी बैठक हुई है, कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, कहते हैं कि इस बार तो मतलब जनता तय कर चुकी है कि बस नरेंद्र मोदी को लाना, इसलिए वो एक मिशन 25 का 25 सीटें मिल सकती हैं। निश्चित रूप से मिलेगी, ऐसा अंडर करंट है, लोग देखते रहेंगे, वोटों की गिनती जैसे जैसे शुरू होगी और जिस तरह से लीड भाजपा करेगी सारे देश में, केवल जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी होने के नाते मैं निश्चित रूप से कहता हूं हम कम से कम 2 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। लेकिन आप इसको किस तरह से देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, आम जनता है, युवा है, उनके मन में क्या है? जो उद्योग क्षेत्र से जो हमारे उद्यमी है और युवा वर्ग है, युवा में चाहे महिला हो चाहे लड़के हो, सबको अपनी अपनी उम्मीदें हैं कि मेरे को रोजगार मिलेगा, हम इंडस्ट्री वाले चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, तो जो निश्चित तौर से है और हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक बात निकल कर आई कि आजादी के बाद में ये पहला ऐसा चुनाव है जो कहने का जनता चुनाव लड़ रही है, ये तो कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, मगर जब परिणाम आएंगे तब जो रिजल्ट है वो सबके सामने होगा। मगर जो नरेंद्र मोदी को लेकर के है और जिस तरह वसुंधरा राजे मेहनत कर रही हैं और पूरी टीम के साथ मेहनत कर रही है, तो अगर चौंकाने वाले परिणाम आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कैमरामैन शिव सिंह के साथ राजीव गौड़, ईटीवी न्यूज़, जोधपुर।